हरियाणा में आए दिन सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला फरीदाबाद के पनहिडा खुर्द गांव से सामने आया है, जहां ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने 11 साल के मासूम को कुचल दिया। दरअसल मासूम सुबह अपने पिता के साथ घूमने निकला था, तभी पीछे से आ रहे ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने अचानक उसे टक्कर मार दी, जिसमें बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक ट्रैक्टर चालक पूरी तरह से नशे में धुत था। वो सातवीं में पढ़ता था बच्चा। सुबह सुबह यहाँ उसके पिताजी वो सारे हम सब मंदिर जा रहे थे, और वो ये ट्रैक्टर ने जो अपने साइड में चल रहा था बच्चा, पीछे से आके उसके ऊपर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, और उसकी हम मौत। ऐसा चढ़ाया ट्रैक्टर और सारा कुचल गया। ड्राइवर ने दारू पी रखी है, ड्राइवर ने दारू पी रखी, चला रहा था उसे। क्या लेके जा रहा था ट्रैक्टर? ईंट है, ईंट भरी हुई है, कोई ओवरलोड गाड़ी है, कम से कम 7,000 ईंट भरी हुई है, 10,000 कम से कम। लगातार इस तरीके के मामले हम देख रहे हैं, ट्रैक्टरों की वजह से एक्सीडेंट कई होते हैं। किसी पे भी नंबर नहीं है, ना ड्राइवरों पे लाइसेंस, प्रशासन कोई कार्रवाई ना कर रहा है, ना इन्हें रोके। जब प्रशासन की मिलीभगत से ये सारा काम हो रहा है। अब क्या बात हुई है? प्रशासन के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं? कोई प्रशासन का लोग नहीं आया यहाँ पे, पुलिस वाले आए हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आरोपी पकड़ लिया, ट्रैक्टर आरोपी पकड़ लिया है। भाग के किसका ट्रैक्टर था? कोई मालिक सामने आया है? ना, कोई मालिक नहीं आया। कई बार प्रोटेस्ट करने बाद भी कोई मालिक सामने नहीं आया। वहीं हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के कारण ही आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। उन्होंने पुलिस पर मिलीभगत के भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि यहां चलने वाले ट्रैक्टरों पर ना तो नंबर होते हैं और ना ही उन्हें चलाने वालों के पास लाइसेंस, और तो और ज्यादातर ट्रैक्टर चलाने वाले नाबालिग होते हैं, बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये ट्रैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी जो जितने भी चलते हैं ये सगरे विदाउट नंबर चलते हैं, ना ड्राइवर पे लाइसेंस होता है, और सारे ओवरलोड चलते हैं ये, और सब प्रशासन की मिलीभगत से चलता है जितना भी है। आज हमारा बच्चा साइड में पीछे से आके ट्रैक्टर चढ़ा दिया, आज उसकी डेड बॉडी में भी कुछ नहीं है। आप देखोगे तो उसे कुछ नहीं है। ये सुबह 6 बजे की घटना है, और नशे में ड्राइवर है। जब भाग के हम लोगों ने पकड़ा है, उम्र के भाग के हम लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा है, और अभी भी उसने ड्रिंक कर रखी है। बड़ी लापरवाही है, रोड पर चलना मुश्किल हो रहा है, क्या कहेंगे भाई? प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि ये ट्रैक्टरों पे इस तरह की गतिविधियां ना हो, जो ये ओवरलोड चलते हैं, और जितने भी ड्राइवर है उनके पास हैवी लाइसेंस होने चाहिए, और सब पे नंबर मेंशन जरूर होना चाहिए। ट्रैक्टर नंबर आप देख लो, आप मुआयना कर लो, यहाँ पे किसी पे भी कोई मतलब ना ट्रैक्टर नंबर है ना कुछ है। वहीं SHO सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इन हादसों की रोकथाम के लिए यहाँ हमेशा एक या दो पुलिस बल तैनात रहेंगे, साथ ही ओवरलोडेड वाहनों के चलान भी काटे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम इन ईंट भट्टों के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। छोटी उम्र है, इसका नाम यश है, और केस उसके फादर का नाम है। सुबह को अपने फादर के साथ घूमने के लिए जा रहा था, और पीछे से एक ट्रैक्टर आ गया ईंट वाला, उसके नीचे आ गया, बड़ा बुरा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर हमारे पास है और रोड चालू है। लगातार ग्रामीण जो है वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि ओवरलोडेड वाहन चलते हैं, नंबर प्लेट होती नहीं है, लापरवाही बड़ी है, प्रशासन कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई नहीं करता। देखो, इनके चालान रोज ही होते हैं, ऐसी बात नहीं, चालान होते हैं, और इनका हम और ज़्यादा सख्ती करेंगे। तकरीबन हर गाड़ी के ऊपर अपने खुद से बैठा कर इनका नंबर लिखवाएंगे, नहीं होगा उनका चालान। बड़ी बात कह रहे हैं, आपके चालान करते हैं, उसके बावजूद भी इतनी भारी मात्रा चालान तो करते हैं। सारे लोकल गाड़ी हैं, लोकल ही ड्राइवर है सब, जब करते हैं उस टाइम वैसे वो करते हैं कि भाई अभी लाया ये खेत में गया, अभी लाया खेत में लाया, पर ईंट वाला होकर इनके सबको चालान करें। लाइसेंस नहीं था ट्रैक्टर चालक के पास? वो तो अभी देखते हैं, था नहीं था, वो तो गिरफ्तारी का टाइम पता लगेगा उसने क्या। फिलहाल गांव के लोगों ने भी मांग रखी होगी, क्या क्या मांग रखी है? गाँव ने यही करीब इनका ट्रैक्टर का नंबर होना चाहिए, लाइसेंस इनके पास होना चाहिए, वैसे नहीं आना चाहिए। हमने इनको आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, हम इनका चालान करेंगे। इतना बड़ा हादसा हो गया, परंतु ट्रैक्टर जो मालिक है वो मौके पर नहीं पहुंचा? ना, मालिक नहीं आया। मालिक का अभी पता करते हैं चालान कौन है, क्या क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। अभी जो भी कानून कार्रवाई होगी, ड्राइवर के खिलाफ होगी, उसका मालिक का दोष होगा, मालिक के खिलाफ भी होगा। फिलहाल 2.5 घंटे तक रोड जाम रखने के बाद पुलिस अधिकारियों के मिले आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। वहीं आरोपी ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।